पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस के सामने ही थप्पड़ मारा। साउथ 24 परगना जिले में सीपीएम के दो समर्थकों को जिंदा जला दिया गया। कई जगहों पर बैलेट बॉक्स लूट लिए गए, बैलेट पेपर जला दिए गए और कई जगह बैलेट पेपर्स को तालाब में फेंक दिया गया। टीएमसी ने इनमें से कई हिंसक घटनाओं के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। जब पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही थी तो दोपहर के वक्त एक बार काउंसिलर ने कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को मोबाइल पर हिंसा के वीडियो दिखाए और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इन घटनाओं पर पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब मांगेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अक्सर आपने देखा होगा ममता बनर्जी ये कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए विपक्ष के सभी नेता एकजुट हो जाएं। ये बात वो केंद्र की राजनीति के बारे में कहती हैं, लेकिन वो खुद जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वहां सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कैसे की जा रही है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल को उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया हो। वहां कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और हर जगह अराजकता फैल गई है। हमारे देश में एक खास विचारधारा का वर्ग है जो पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा चलाता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, लेकिन ये तमाम लोग पश्चिम बंगाल में हो रही बूथ कैप्चरिंग पर बिल्कुल शांत है। क्या इससे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के लिए जमकर खून बहाया जा रहा है। बैलेट पेपर्स को सामूहिक रूप से आग में जलाया जा रहा है। बैलेट पेपर्स को तालाब में फेंक कर नष्ट किया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल